टाटा स्टील भसीन साहब बात करके गए थे, बाकी मेटल्स पर भी, क्योंकि आज अच्छी रिकवरी, अगर आपको याद होगा जब मार्केट आज ओपन हुए थे तो टॉप लूजर ओपनिंग पर हिंडाल्को था, वहां से पूरी तरह रिकवर करके पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। टाटा स्टील भी अब 1% ही नीचे है, 108 के लेवल्स होल्ड कर रहा है आसानी से। क्या चल रहा है मेटल्स में और क्यों आगे जाकर यहां पर फोकस बढ़ सकता है, एक बार जानते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु देखिए, ArcelorMittal जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। ये अपने यूरोप में दो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं इनके, इनमें से एक सितंबर एंड तक बंद करने जा रहे हैं, जिसके पीछे कारण ये कि लगातार अगर आप देखें तो जो गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते इन्होंने जो है ये फैसला लिया। और साथ में अगर आप देखें तो जो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगने वाली हैं, जो कार्बन एमिशन के जो नॉर्म्स हैं उसके चलते भी अगर आप देखें तो इनके जो कॉस्ट है इसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और खास बात यह भी है कि इन्होंने एक चीज़ हाईलाइट करके ये बताई है कि फिलहाल अगर आप देखें तो लागत तो स्टील उत्पादन की लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एक और खास बात यह भी है कि डिमांड वीक है, ग्लोबल थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो इसका भी एक असर आपको देखने को मिल रहा है। पिछले साल अगर आप देखें तो ArcelorMittal ने करीब 7 करोड़ टन का जो है स्टील का उत्पादन किया था, और इनके जो स्पेन और जर्मनी में जो प्लांट्स हैं इसमें भी देखें तो करीब करीब 37 लाख टन के आसपास का उत्पादन हुआ था। अभी क्योंकि टाटा स्टील की भी प्रेजेंस अगर आप देखें तो यूरोप में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर भी प्रोडक्शन इनका होता है। इनकी तरफ से अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन डिमांड को लेकर अगर कंसर्न नहीं रहते हैं और इनकी तरफ से अगर सप्लाई कट आता है तो हो सकता है कि जो घरेलू कंपनीज हैं इनके लिए मौका बनते हुए नजर आए। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है तो ज़्यादा बेनिफिट ये ले नहीं पाएंगे। फिर भी दो स्टॉक आप अपने रडार पर रखें जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है। पहला टाटा स्टील, यूरोप में भी सीधे तौर पर इनके जो है काफ़ी ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, और साथ में अगर आप देखें तो JSW स्टील, इनका भी जो पूरा ग्लोबल एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा है। तो दो स्टील स्टॉक जो है आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। टाटा स्टील और JSW स्टील दोनों को रखें रेडार पर। टाटा स्टील अच्छी बुरी दोनों खबर है, क्योंकि यूरोप में भी इनका बड़ा कारोबार है, तो एनर्जी कॉस्ट तो इन्हें भी काफी परेशान करेगी, बट उसके सामने JSW स्टील पर